हे गाइस, वेलकम बैक टू VMinds। गाइस कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम करेंगे पोको X3 का डिटेल्ड कैमरा रिव्यू। गाइस अगर आप देखोगे अंडर 20 के बेस्ट कैमरा फोन तो पोको X3 भी आपको कहीं ना कहीं सजेस्ट होगा। एंड इस वीडियो में आपको डिटेल्ड कैमरा रिव्यू देखने मिल जाएगा इसी पोको X3 का। इसके बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल के मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर आपको देखने मिल जाएगा एक डुअल LED फ्लैश के साथ। फ्रंट में आपको देखने मिलेगा 20 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा जो कि सेंटर में है f2.2 अपर्चर के साथ। एंड इसी पोको X3 का सारा कैमरा फीचर्स, कैमरा इंटरफेस विथ प्रैक्टिकल शॉट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, टेस्टिंग सारा कुछ शेयर करूंगा। एंड गाइस जो वेरिएंट हमारे पास है पोको X3 का वो आप देख सकते हो आपके डिस्प्ले पे एंड इसका प्राइस है 18,500 रुपीज। ओके गाइस, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी पोको X3 का कैमरा इंटरफेस से क्या अदर फीचर्स इसके कैमरे के UI में। इसी पोको X3 के कैमरा UI कैमरा इंटरफेस देख लो आप, कुछ इस तरीके का आपको कैमरा देखने मिल जाएगा। पोको X3 का अगर आप ओपन करोगे तो टॉप पे आपको 6 फीचर्स आपको देखने मिलेंगे, फंक्शंस बेसिकली। सबसे पहला है फ्लैश का ऑप्शन, उसे आप इनेबल कर सकते हो, ऑटो पे रख सकते हो। दूसरा ऑप्शन है HDR का, HDR में अगर आप शॉट्स निकालना चाहते हो तो उसे इनेबल कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, AI में अगर आप फोटो क्लिक करना चाहते हो तो उसे भी इनेबल कर सकते हो। चौथा ऑप्शन है फिल्टर्स का, पांचवा ऑप्शन है गूगल लेंस का, ओपन कैमरा आप डाउनलोड करके गूगल लेंस को यूज कर सकते हो। एंड फाइनली आपको बहुत सारे फीचर्स एंड फंक्शंस आपको देखने मिलेंगे। 3 डॉट पे अगर आप क्लिक करोगे फ्रेम आप सेलेक्ट कर सकते हो, टाइमर आप सेलेक्ट कर सकते हो, सेटिंग आपको देखने मिल जाएगा। सबसे पहले सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे फीचर्स है, वाटरमार्क, लाइव टिप्स, स्कैन QR कोड, बहुत सारे ऑप्शन है बेसिकली यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हो। पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे हाई रखा है मैंने। एंड गाइस ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, इसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है। अगर आपका कुछ सेटिंग उल्टा फुल्टा हो जाता है तो आप रीस्टोर डिफॉल्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कई सारे आपको फंक्शंस फीचर्स देखने मिल जाएंगे, मैक्रो, मूवी फ्रेम, टिल्ट शिफ्ट, प्रो कलर मोड, सारा सैंपल आपको प्रैक्टिकल शेयर करूंगा अभी मैं आपको। एंड गाइस आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपको वीडियो मोड देखने मिलेगा। एंड गाइस यहाँ पे रिजोल्यूशन क्या सपोर्ट है सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये कैमरा इंटरफेस है बेसिकली, आगे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। गाइस अगेन आपको 4 ऑप्शन देखने मिलेंगे, फ्लैश का, स्टेडी मोड ऑप्शन देखने मिलेगा और फिल्टर्स का। अगेन आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको रिजोल्यूशन चूज कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो 720, 30fps, 1080, 30fps, 1080, 60fps एंड फाइनली 4K 30fps में आप वीडियो शूट कर सकते हो। और कई सारे मोड आपको देखने मिल जाएंगे नीचे। गाइस ये सिर्फ कैमरा इंटरफेस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और लेफ्ट में जाओगे तो आपको प्रो मोड देखने मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टॉप पे सेम फीचर्स देखने मिल जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे 64 बेसिकली जो मेन लेंस है उससे आप फोटो क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे नीचे आप लेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लेंस सेलेक्ट कर सकते हो, आपको वाइड एंगल फोटो क्लिक करना है या अल्ट्रा वाइड एंगल क्लिक करना है या मैक्रो शॉट्स निकालना है तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सारा अभी पिक शॉट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कंपेयर करेंगे सब। और अगर राइट में आप आओगे तो आपको पोर्ट्रेट मोड देखने मिल जाएगा, यहाँ पे आप अपर्चर को मैनेज भी कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। टॉप पे आपको AI ऑप्शन मिल जाता है पोर्ट्रेट में। और अगर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको पोर्ट्रेट में मूवी फ्रेम का ऑप्शन भी मिल जाता है और कई सारे ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो आप। और मोर में आप जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे फंक्शंस है इसी पोको X3 के कैमरा के UI में। देख सकते हो नाइट मोड और 64 मेगापिक्सल मोड, सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, पनोरामा, डॉक्यूमेंट, व्लॉग मोड, स्लोमो, टाइम लैप्स, डुअल वीडियो, AI वाटरमार्क, लॉन्ग एक्सपोजर, क्लोन मोड, कई सारे फीचर्स फंक्शंस आपको देखने मिल जाएंगे इसी कैमरा UI में पोको X3 के। सो गाइस अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना वीडियो को। ओके गाइस फाइनली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसी पोको X3 के कुछ पिक्चर्स, वीडियोस के सैंपल। ये देख सकते हो ये है अल्ट्रा वाइड एंगल और इस पिक में आपको किसी भी तरह की कमी नहीं दिखेगी। एंड गाइस ये फोटो है सेम डायरेक्शन से, सेम एंगल से प्रो कलर मोड पे मैंने स्विच करके लिया है। साइड बाय साइड कंपेरिजन आप देखो अल्ट्रा वाइड एंगल एंड प्रो कलर मोड, यहाँ पे देख सकते हो प्रो कलर मोड में फोटो ओवर सैचुरेटेड हो गया है। यह है जूम टेस्ट इसी पोको X3 का, नॉर्मल से 2x, 2x से 5x एंड फाइनली 10x जूम करके पिक मैंने क्लिक किया है। देख सकते हो पिक हल्का सा फटता हुआ दिखेगा आपको 10x में, बट गाइस यहाँ पे क्लैरिटी में किसी भी तरह की कमी नहीं है फोटो में, आप देख सकते हो बस थोड़ा सा पिक फटता हुआ दिखा है 10x में। और ये है नॉर्मल मोड एंड प्रो कलर मोड, यहाँ पे आप डिफरेंस पहचान सकते हो। बस गाइस प्रो कलर मोड में
थोड़ा सा एक्चुअल कलर से ओवर सैचुरेटेड हो जाता है पिक। यहाँ पे देख सकते हो ये है नॉर्मल मोड, प्रो कलर मोड आउटडोर में, एंड गाइस ये है इनडोर पोर्ट्रेट शॉट। देख सकते हो कितना मस्त फोटो आया है, बैकग्राउंड पूरा ब्लर है, वैसे लाइटिंग कंडीशन भी काफ़ी अच्छी थी। तो ये देख सकते हो ऑब्जेक्ट पे काफ़ी अच्छा फोकस हुआ है। ये है आउटडोर और इनडोर पोर्ट्रेट शॉट, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का पोर्ट्रेट शॉट आपको देखने मिल जाएगा। डेफिनेटली बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है और फोटो की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट गाइस एक प्रॉब्लम भी हो जाता है पोर्ट्रेट शॉट में, मैं आपको बताऊंगा। गाइस ये फोटो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, यहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। कभी कभी पोको X3 से फोटो क्लिक करने में कलर रिप्रोडक्शन बराबर नहीं होता है, ओवर सैचुरेटेड हो जाता है फोटो। ये है वाइड एंगल और वो था अल्ट्रा वाइड एंगल, साइड बाय साइड कंपेरिजन देखो आप बेसिकली फोटो का, देख सकते हो यहाँ पे कलर दोनों में ही अलग कलर है और एक्चुअल कलर जो है वो बहुत ज़्यादा अलग है। एंड गाइस अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ मैक्रो शॉट, इसी पोको X3 से निकाला गया है। देख सकते हो आप सारे मैक्रो शॉट्स बहुत ही ज़्यादा मस्त आया हुआ है। एंड गाइस अब देखो मैक्रो वीडियो टेस्ट, इसी पोको X3 से निकाला गया है, बेसिकली टेस्ट किया है हमने। गाइस यहाँ पे पर्सनली मुझे इसका मैक्रो वीडियो पर्सनली पसंद आया, मुझे इसका मैक्रो कैमरा और भी कई सारे मैंने टेस्ट किए हैं। एंड गाइस अब देखो आप 4K टेस्टिंग एंड डुअल वीडियो मोड 1080 टेस्टिंग सारा कुछ आप देखो अब। ओके गाइस ये है डुअल वीडियो, इसी पोको X3 से रिकॉर्ड हो रहा है। एंड गाइस बहुत धूप है इसीलिए टोपी लगाया हूँ। आप देखो डुअल वीडियो की क्वालिटी और स्टेबिलिटी, बेसिकली मैं वॉक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो। ओके गाइस ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है पोको X3 के बैक कैमरे से, बेसिकली 4K 30 FPS आप देख सकते हो, जंगल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और ये आप फोकसिंग भी देख सकते हो इसका, और जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है वो इसी पोको X3 के इनबिल्ड माइक से हो रहा है, तो क्लैरिटी और स्टेबलाइजेशन भी आप देख सकते हो। ओके गाइस ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है पोको X3 के फ्रंट कैमरा से आप देख सकते हो, और जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है वो इसी इनबिल्ड माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, और मैं वॉक कर रहा हूँ देख सकते हो, और ये है क्लैरिटी 4K नहीं है 1080 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो क्लैरिटी और स्टेबलाइजेशन कैसा है इसी कैमरे से। एंड गाइस अब बात करते हैं 20 MP फ्रंट कैमरे की, बेसिकली सेल्फी की। यहाँ पे देख सकते हो 3 पिक्चर है मेरे पास, यहाँ पे 2 आउटडोर 1 इनडोर, और यहाँ पे क्लैरिटी आप देख सकते हो किसी भी तरह की कमी नहीं है क्लैरिटी में। बीच वाला पिक बेसिकली मेरे और ये फ्रंट कैमरा ही है 20 MP फ्रंट कैमरा, देख सकते हो किसी भी तरह की कमी नहीं है इसके फ्रंट कैमरा में। और गाइस बस आप फिल्टर ऐड करते हो तो ज़्यादा कुछ फिल्टर सा लगने लगता है, बस गाइस फिल्टर ऐड मत करो, ब्यूटी मोड ऐड मत करो, पिक्चर काफ़ी अच्छी आएगी, ओरिजिनल आएगी। ये देख सकते हो प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ है पोर्ट्रेट शॉट से, एंड गाइस ये प्रॉब्लम हो ही जाता है, 10 फोटो लोगे आप तो 2-3 फोटो में आपको प्रॉब्लम दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरे कान भी ब्लर हो गए हैं, मेरा जो शर्ट है वो भी थोड़ा ब्लर हो गया है, कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम देखने मिलता है आपको पोर्ट्रेट शॉट से पोको X3 के, तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम ही है, बेसिकली ऑब्जेक्ट भी ब्लर हो जाता है। एंड गाइस 64 MP शॉट आप देख सकते हो, ये तीनों पिक बेसिकली बीच वाला सबसे पहला पिक्चर है इसी पोको X3 से, एंड 3 पिक्चर आप देख सकते हो, क्लैरिटी में किसी भी तरह की कमी नहीं है, कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, और पिक्चर भी काफ़ी अच्छी आई हुई है, तीनों पिक्चर देख सकते हो आप। ओके एक पिक्चर मैंने क्लिक किया है पनोरमा मोड से, बेसिकली आप देख सकते हो ये पनोरमा मोड बाकी अदर कैमरे की तरह ही है, बस थोड़ा क्लैरिटी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी है देखा जाए तो, अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। सो गाइस क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है पनोरमा क्लिक करते हो आप तो। एंड गाइस ये देख सकते हो नॉर्मल मोड और नाइट मोड, बेसिकली नाइट मोड ज़्यादा क्लिक नहीं है मेरे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो इस फोटो से आप साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकते हो, नॉर्मल टू नाइट मोड आप अंदाज़ा लगा सकते हो गाइस। एंड गाइस ये है टाइम लैप्स मोड, इसी पोको X3 से रिकॉर्ड किया है मैंने। एंड गाइस फाइनली आप टाइम लैप्स मोड के बाद स्लोमो देख लो, बेसिक सा स्लोमो मैंने रिकॉर्ड किया है तो उसे भी आप देख लो।
ओके फाइनली गाइस पोको X3 का कैमरा मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अकॉर्डिंग टू प्राइस 20,000 के अंदर आप कैमरा फ़ोन सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं पोको X3 भी आता है, रियलमी 7 प्रो भी आता है, मोटोरोला वन फ्यूज़न भी आता है। बट गाइस पोको X3 का कैमरा एक डिसेंट कैमरा है। आप नॉर्मली आप एक क्रिएटर हो तो आप YouTube वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, Instagram रील्स बना सकते हो, अगर आप ये सब का शौक रखते हो तो डेफिनेटली 20,000 के अंदर एक अच्छा कैमरा फ़ोन है पोको X3। बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर देना लाइक, आपको हेल्पफुल लगी होगी वीडियो, आप लोगों ने यहाँ तक देखा तो डेफिनेटली वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, हम बहुत करीब है 10K सब्सक्राइबर के, तो प्लीज़ गाइस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा देना ऐसे ही कंटेंट के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय गाइस।